Hello everyone, welcome to English classes with Unit 10th Class 6 The Banyan Tree Part 2 Word Meaning and Hindi Translation Word Meaning Gliding, moving smoothly धीरे से मूव करना Clump, group of bushes or trees झाड़ियों या पेड़ों का झुंड Emerged, came out, बाहर आना Clearing, an open space in a forest where there are no trees Sack, a part of an animal or plant shaped like a bag किसी पशु या प्लांट का हिस्सा जो बैग की जैसी शेप का फैंग्स लॉन्ग शार्प टीथ ऑफ ए स्नेक और डॉग डिफाइंस रिविलियन या रेसिस्टेंस चुनौती डार्ट मूव क्विकली सडनली अचानक से या तेजी से मूव करना कंबेनेंट्स पार्टिसिपेंट्स इन ए फाइट लड़ाई में भाग लेने वाले स्पेक्टेटर्स दोज हु वॉच ए शो ए गेम एटसेट्रा आउटकम रिजल्ट मेसमराइज हेयर मैजिकली Pursuit, magical रूप से किसी को भ्रमित करना A false move, an unwise action, गलत action लेना Glistened, sown, चमकना Round, hair, a stage in a fight or competition Pull up, hair moved back suddenly, अचानक से मुड़ना Snout, the nose and mouth of an animal To no avail, with no success, सफलता न मिलना The banyan tree, बरगद का पेड़ Part 2, the warm breezes of approaching Summer had sent everyone, including the gardener, into the houses. ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं ने यहाँ तक कि मालिकों और सभी को घरों में भेज दिया कि जैसे गर्म हवाएं चलने लगी तो सब लोग अपने घरों में चले गए Approaching, oncoming, impending, आने वाली I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to pond and have a swim. With Ramu and the buffaloes. Drowsy उबासी आना या आलस आना Wondering सोचना मुझे भी कुछ आलस आ रहा था मैं भी कुछ आलस फील कर रहा था यह सोचते हुए कि तालाब में जाता हूँ Ramu और भैंसों के साथ स्विम करता हूँ When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तभी मैंने देखा कि एक काले रंग का बड़ा कोबरा स्मूदली नागफनी के पेड़ों के झुंड से निकल रहा है At the same time, a mangoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. उसी टाइम पे एक नेवला झाड़ियों से निकल आता है और सीधा कोबरा के पास पहुंचता है. Approaching, oncoming, impinent. आने वाली, drowsy, sleepy या dozy. सुस्ती, gliding, moving smoothly. धीरे से निकलना. Emerged, came out. बाहर निकलना. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. क्लियरिंग कि उस पेड़ के नीचे कुछ नहीं था पेड़ के नीचे कोई भी दूसरा पौधा नहीं था बरगद के पेड़ के नीचे खाली जगह में सूर्य की रोशनी में वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मैंगूज 3 feet लॉन्ग वॉज ए सुपर फाइटर कोबरा अच्छे से जानता था कि ग्रे कलर का जो नेवला है जो 3 feet लंबा है यह बहुत ही अच्छा लड़ाकू है क्लेवर एंड एग्रेसिव चतुर है और तुरंत अटैक करने वाला है बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी फाइटर था ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट वह बहुत तेजी से मुड़ सकता था और लाइट की स्पीड से हमला कर सकता था एंड द सैक बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन उसके नुकीले दांतों के पीछे जो पोटली थी वह जहर से भरी हुई थी इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस यह लड़ाई दो चैंपियंस के बीच में अग्रेसिव रेडी और लाइकली फॉर अटैक जल्दी से अटैक करने के लिए रेडी होना हिसिंग डिफाइंस हिज फोर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड डिफाइंस चुनौती फोर्क्ड नुकीली डार्टिंग मूव करना हिस की आवाज निकालते हुए अपनी नुकीली जीभ को अंदर और बाहर करते हुए कोबरा जमीन से 3 से 6 feet की ऊंचाई पे खड़ा हो गया और मैंगूज को चुनौती दी एंड स्प्रेड्स हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल हुड और उसने अपना चौड़ा और भव्य फन फैला लिया द मैंगूज बूस्ट हिज टेल नेवले ने अपनी पूंछ को पटका द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप और उसके रीढ़ की हड्डी पे जो लंबे बाल थे वो खड़े हो गए दो द कंबेनेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री लेकिन वो दोनों लड़ाकू मेरी वहाँ उपस्थिति के बारे में अनअवेयर थे उन दोनों को ये नहीं पता था कि ऑथर उनको देख रहा है दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्स देखने वाले दर्शक उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि वहाँ पे दो दर्शक पहुँच गए हैं वन ऑफ द मैना
एंड द अदर जंगल क्रो, एक मैनाती और दूसरा जंगली कौवा. दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड ए सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम. आउटकम रिजल्ट, प्रिपरेशन तैयारी. उन दोनों ने पहले ही इस लड़ाई की तैयारी देख ली थी और उसके रिजल्ट को देखने के लिए वो दोनों नागफणी के पेड़ पे बैठ गए. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. यदि वो दोनों लड़ाई को देखकर संतुष्ट होते तो यह उन दोनों के लिए अच्छा होता. Content, satisfied, संतुष्ट. For having a divided branches, नुकीले. Content, satisfied. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side. कोबरा खड़ा होकर अपने बचाव में इधर उधर धीरे धीरे मूव करने लगा, अपने फण को इधर उधर हिलाने लगा. ट्राइंग टू मेसमराइज द मैंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव. वह मैंगूज को भ्रमित करना चाहता था ताकि मैंगूज गलत कदम उठाए. बट द मैंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लेसी एंड विंकिंग आईज. लेकिन नेवला अपने प्रतिद्वंदी की न झपकने वाली आंखों की पावर के बारे में जानता था कि वह उसे भ्रमित कर सकती है. एंड रिफ्यूज टू मीट देम. और उसने उससे अपनी आंखें नहीं मिलाई. इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड. नेवले ने कोबरा की आंखों में न देखने की बजाय उसने अपनी नजरें कोबरा के हुड के नीचे फिक्स कर ली. एंड ऑपन्ड द अटैक. और उसने उसके ऊपर हमला बोल दिया. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली एंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच. जल्दी से दूसरी तरफ मूव करके वह कोबरा की पहुंच से बाहर हो गया. द मैंगोज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड. मैंगूज ने ऐसे दिखावा किया कि वह जैसे इस साइड है और वह दूसरी साइड चला गया. इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक. कोबरा ने जल्दी से आक्रमण किया. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मैंगूज. उसने अपना बड़ा हुड इतनी तेजी से मैंगूज की तरफ फटका, मुझे लगा कि अब नेवले को कोई नहीं बचा सकता. बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड. लेकिन जो छोटा नेवला था वह बहुत ही सफाई से दूसरी साइड जंप कर गया. एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा. जैसे ही कोबरा उसकी साइड आक्रमण करता उसने कोबरा के पीछे से जाके उसको काट लिया. एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच. और फिर उसकी पहुंच से बाहर हो गया जल्दी से मूव करके. एट द सेम मोमेंट द कोबरा स्ट्रक. उसी सेम मोमेंट में जब कोबरा ने आक्रमण किया द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम. कौवा और मैना उसके ऊपर डाइव किया. ओनली टू कोलाइड हेवीली इन मिड एयर. लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बीच में ही टकरा गए. कोलाइड टकराना. थिंकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न्ड टू द कैक्टस प्लांट. एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए वो दोनों फिर से नागफणी के पेड़ पे वापिस लौट आए. ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक. ग्लिस्टेंड चमकना. खून की कुछ बूंदे कोबरा के बैक के ऊपर चमकने लगे. जब नेवले ने उसको पीछे से काट लिया था तो उसमें खून दिखाई देने लगा, उस पर खून चमकने लगा. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. कोबरा ने फिर से आक्रमण किया लेकिन मिस हो गया. अगेन द मैंगूज स्प्रैंग असाइड जंप्ड इन एंड बिट. दोबारा से नेवले ने दूसरी साइड जल्दी से मूव किया और जंप करके कोबरा को काट लिया. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक. दोबारा दोनों पक्षियों ने स्नेक के ऊपर डाइव किया. बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न्ड स्ट्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. लेकिन दोनों बीच में ही एक दूसरे से टकरा गए. एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए सुरक्षित नागफणी के पेड़ पे आ गए. द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एट द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. लड़ाई के तीसरे राउंड में भी वैसे ही था जैसे कि पहला राउंड था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नाटकीय बदलाव था. द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइव्ड एट द कोबरा. कव्य और मैना ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो घटना चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें भाग लेने का और कोबरा के ऊपर डाइव करने का. प्रोसीडिंग इवेंट्स घटना. डिटरमाइंड फोकस्ड किसी चीज पे निगाह लगाना. बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर्स एज वेल एज देयर मार्क. लेकिन इस बार वो अपने मार्क को मिस कर गए. मैना फ्लू ऑन. मैना उड़ गई एंड रीच्ड इट्स पर्स. और अपने बसेरे पे अपनी जो जगह थी उस पे पहुंच गई. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक. लेकिन कव्य ने कोशिश की बीच में रुकने की और फिर वापस मुड़ा. पुल अप स्टॉप रुकना. इन द सेकंड दैट इट टुक द बर्ड्स टू डू दिस. लेकिन दूसरा जैसे ही पक्षी ऐसा कर पाता द कोबरा व्हिप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स. कोबरा
तेजी से अपना सिर घुमाता है, पीछे की साइड घूमता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कौवे पे हमला करता है। His snout thundering against the crow's body. Snout मुंह और नाक का हिस्सा, थंडिक गिरने का मूवमेंट, गिरना, तो उसके मुंह और नाक का जो भाग था वो कौवे की बॉडी पे बहुत तेजी से गिरा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने देखा कि उसकी बॉडी से टकराने के बाद वो पक्षी 20 फीट आगे जाकर गार्डन में दिखाई दिया है। It fluttered about for a while, then lay still. यह कुछ देर के लिए फड़फड़ाया लेकिन फिर शांत हो गया। The मैना remained on the cactus plant. अब मैना उस नागफनी के प्लांट पे ही रुकी रही। And when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. जैसे सांप और नेवला अपनी लड़ाई में वापस लौटे, तो मैना ने बुद्धिमता से फैसला लिया कि भाई अब इंटरफेयर नहीं करेगी। The cobra was weakening, कोबरा कमजोर पड़ रहा था, and the mongoose walking fearlessly up to it. और नेवला बिना डर के उसके पास घूमने लगा। Raised himself on his short leg, उसने अपनी आपको छोटे पैरों पे खड़ा किया, एंड विद ए लाइटनिंग स्नैप हेड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने उस लंबे सांप के स्नाउट को तेजी से तोड़ दिया। द कोबरा विद्र एंड लेस्ड अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, कोबरा लहूलुहान और डरा हुआ अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूंछ को पटकने लगा। एंड इवन कॉल्ड इटसेल्फ अबाउट द मैंगूज, और यहाँ तक कि उसने नेवले के चारों तरफ कुंडली मारी, बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, उस छोटे नेवले ने उसको बहुत तेजी से पकड़ा हुआ था। अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, जब तक कोबरा संघर्ष करना बंद न करे। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स ग्रीन, तब उसने उसके हिलने डुलने की गति को सूंघा। लेंथ ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, टाइटली उसको राउंड करके पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको झाड़ियों में घसीट लाया। स्नैप ब्रेक सडनली, अचानक से तोड़ना। रीड मेक ट्विस्टिंग लेस्ट बिट फोर्सफुली, किसी को फोर्सफुली काटना। ग्रिमली इन ए वेरी सीरियस सीज्ड ब्रिंग टू एन एंड क्विरिंग शेकिंग वाइब्रेशन ग्रिप्ड ग्रेव्स टाइटली द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना बहुत सावधानी पूर्वक ग्राउंड पे उतर आई। होप्ड अबाउट, आशा रखते हुए पीयर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, उसने झाड़ी से एक सुरक्षित दूरी से झाका। एंड देन विद ए श्रील क्राइ ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे, उसके बाद एक तेज आवाज में कांग्रेचुलेशन चिल्लाते हुए उड़ गई। कॉशियसली केयरफुली पीयर्ड पिप लुक अप टू झाकना श्रील शार्प हाई पिच्ड ऊंची आवाज। थैंक यू।